हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, कुदरत के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको एक अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जड़ी बूटी है अर्धपुष्पी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेड़ पौधे के पुष्प ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि ये जड़ी बूटी ऐसी है जिसके पुष्प उल्टे लटके हुए रहते हैं। इसके पुष्प आपको जमीन की तरफ झुके हुए ही देखने को मिलेंगे, इसलिए ही इसे अर्धपुष्पी कहा जाता है। इसके पुष्प ज्यादातर सफेद रंग के और पांच पंखड़ी वाले होते हैं। इस पूरे पौधे पर नीचे से ऊपर तक कड़ी तथा श्वेत वर्ण वाली रोमवली होती है, इसी कारण इसका एक नाम रोमालू है। ये जड़ी बूटी भारत के लगभग सभी प्रांतों में उत्पन्न होती है। ये खेतों में खरपतवार के रूप में पाई जाती है। इस बूटी को आम भाषा में सालनोटा, रातमंडी, छोटा कुल्फा और अंधा हुली से पहचानते हैं। संस्कृत विद्वानों ने इसे अर्धपुष्पी, अंधपुष्पी और अवकपुष्पी से पहचाना है। इसे अधामुखा और द्राविका भी कहा जाता है। पता नहीं दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस बूटी को किस नाम से जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये बूटी स्वाद में कटु तिक्त, गर्म प्रकृति की, पचने में हल्की और कफवात शामक होती है। ये व्रण को मिटाने वाली, सूजन को दूर करने वाली और आंखों के लिए हितकारी होती है। ये बूटी गर्भस्रावी, गर्भाशय का संकोचक करने वाली, अस्मरी मिटाने वाली और वीर्य की वृद्धि करने वाली होती है। दोस्तों, हजारों सालों से हमारे देश में इस बूटी का उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। वैसे तो ये बूटी अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होती है, लेकिन आज हम इसके विशेष फायदे के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जिन लोगों के बाल झड़ रहे हो और सिर में गंजापन बढ़ता जा रहा हो, ऐसे लोगों के लिए ये जड़ी बूटी किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इस जड़ी बूटी को अच्छी तरह से पहचान ले, फिर इसे ले आए और इसकी जड़ को साफ करके 15 से 20 ग्राम जड़ को लेकर 2 लीटर पानी में उबाले और जब ये 1 लीटर से कम रह जाए तब ठंडा होने के बाद छान ले। अब इस पानी से बालों को रोजाना धोए। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ को मजबूत बनाता है और झड़ते हुए बालों को कम करता है। इस प्रयोग को रोजाना करने से झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं तथा बालों की सफेदी भी कम हो जाती है। इसके साथ आपको इस पौधे के मूल और छाल को पीसकर गाय के घी में भून लेना है। उसमें थोड़ी भुनी हुई हींग मिलाए। अब इस मिश्रण को सुबह एक बार गाय के दूध के साथ खाना है। ये मात्रा आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, इस दोनों प्रयोगों को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और सिर में नए बाल आने लगते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को दस्त की समस्या हो गई हो, ऐसे लोगों को इस अंधाहुली की जड़ को पानी के साथ पीसकर पीना है। इससे दस्त जल्दी ही मिट जाता है। दोस्तों, इस पूरे पौधे के पंचांग यानी इसकी जड़, छाल, पुष्प और पत्ते, इन सबको पीसकर पीने से पेशाब की जलन मिटती है और पेशाब खुलकर आता है। इसके प्रयोग से पेशाब की कई परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, इस पूरे पौधे को पंचांग को पीसकर इसका लेप संधि स्थान पर लगाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है और जोड़ों पर होने वाली सूजन बिखर जाती है। इसके अलावा अगर शरीर में किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो तो इसके मूल को पीसकर घाव या व्रण पर इसका लेप लगाए, इससे जल्दी ही घाव और व्रण ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।